بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है ये पिंडों के हवाले से, जो जानवरों के अंदर चिड़ों का मसला बन जाता है, जुएं पड़ जाती हैं उनको, उस हवाले से है। तो अक्सर देखने में आया कि जानवर दोस्तों से रابطہ करते हैं, जैसे हमारे पिंदे जो टांगों से बैठ रहे हैं, टांगे उनकी काम नहीं कर रही, तो मुख्तलिफ उनका ट्रीट करते हैं, मुख्तलिफ उनके इलाज करते हैं, मेडिसिन देते हैं, लेकिन कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता और चंद दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ये अमल देखने में आया कि जिन पिंदों के साथ ये ज़्यादातर ये टांगों का इशूज़ आ रहे हैं, तो उनको जब गौर किया जाए तो उनके अंदर जो है ना आप चिड़चिड़ आपको ज़्यादा नजर आएंगे, जुएँ उसको पड़ जाएंगी नज़र। इसलिए आप पहले नंबर तो आप जो खुडे के अंदर आप जहाँ बंद करते हैं उसको आप अच्छी तरह उसकी सफाई किया करें, हर 8 दिन 10 दिन बाद एक दिन रखें, जिस दिन आपको टाइम मिलता है, छुट्टी होती है, उस दिन उसको अच्छी तरह आप साफ़ किया करें। ठीक हो गया, साफ़ करने के बाद आप उसके अंदर एक चूने का पैकेट ले आएँ, वो बखेर दें। चूना अगर वो खा भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, एक पैकेट लें उसको हर 8-10 दिन बस उसको पिंजरे के अंदर बखेर दिया करें, 8 दिन बाद उसकी सफाई करके दोबारा नया उसका पैकेट जो है वो 20-30 रुपये का, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर पिंदों को आप उसको पानी के अंदर इस्तेमाल करके इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। तो दूसरा, अगर आपके पिंदरों को चिचड़ों का इशू हो गया है, पड़ गए हैं, जुएं उनको पड़ गई हैं, फिर आपने क्या करना है, एक आपको टाइगर पाउडर मिलेगा, वो आपने अच्छी तरह उसके बालों के अंदर मल मल के जो है ना उसके परों के नीचे अंदर तक लगाना, जिद तक लगाना, लगा के उसको आपने छोड़ देना है। 10-15 मिनट तक आपने उसको खुला छोड़ देना है। उसके बाद आपने 15-20 मिनट बाद आपने उसको पानी के साथ नहला के दोबारा एक शैम्पू मिलेगी, इंग्लिश शैम्पू 5 पैकेट मिलेगा, वो शैम्पू अच्छी तरह उसको लगा के फिर आपने 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना उसको। अगर वो परों के अंदर चूँच मार रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा पिंदे को। ठीक हो गया, 10 से 15 मिनट बाद आप फिर उसको दोबारा अच्छी तरह नहला दें, तो इंशाल्लाह ताला आपका पिंदा बिल्कुल उसी वक्त आपके हाथों पर आपको पता चल जाएगा कि यार कैसे जुएं निकल रही हैं, तो अच्छी तरह बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला पहली बार साफ़ हो जाए, अगर आपको कुछ कसर नज़र आए तो दोबारा आप 2 दिन या 3 दिन बाद दोबारा ये अमल आप फिर से कर सकते हैं। लेकिन अगर नहलाने का जो अमल है ये कोशिश करें धूप के अंदर करें, शाम को ना करें, सुबह टाइम करें, या मौसम ख़राब उस दिन भी ना करें, धूप के अंदर करके उसको धूप में खड़ा कर दें, 10-15 मिनट के अंदर वो खुश हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है।